खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। मिली जानकारी के अनुसार पार्षद रचना विजय वर्गीय के इस विवाद के बाद आज 7 दिन से क्षेत्र के नागरिकों को एवं साप्ताहिक हाट बाजार करने वाले व्यापारी और ग्राहकों को पीने के पानी के लाले पड़े, जिसकी वजह से आज स्थानीय लोग एवं हाट बाजार करने वाले व्यापारी दोनों ने कैंटोनमेंट बोर्ड पर जाकर सीईओ मनीषा जाट को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर को भी इसे अवगत करवाया गया। ठाकुर द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए पार्टी के पदाधिकारी प्रतिनिधि मंडल बना कर जांच कर रही निर्णय दिया जाएगा, जबकि क्षेत्रीय पार्षद अपनी जिद पर अड़ गई थी कि मैं किसी भी हाल में यहां से पानी की टंकी हटवा कर ही रहूंगी और चेतावनी दी थी कि यदि केंट बोंड सीओ के साथ नहीं दिया तो आत्मदाह करने की धमकी देने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की टंकी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। व्यापारियों ने मीडिया को बताया कि स्थानीय पार्षद रचना विजय वर्गीय द्वारा बैंक को बियाणी किराना संचालक को फायदा पहुंचाने के लिए हम सभी लोगों को पीने के पानी के लिए तरसाया जा रहा है। बाजार के दिन दुकान लगाते हैं, साप्ताहिक बाजार लगता है और यहाँ मेन समस्या का पानी की टंकी है, उससे बहुत परेशानी हो रही है हमको। 8 दिन में एक बार आते हैं और हमारे जो ग्राहक है ग्रामीण आइट साइड से गांव से आते हैं, वो भी बेचारे आस लगा के आते हैं और पानी सब वहीं पीते हैं और पानी नहीं लगने से बहुत परेशानी हो रही है हमको। हम बहुत परेशान है। ये पानी ये पार्षद के और ये जो वहाँ लोडिंग गाड़ियाँ लगती है पीछे बैंक के, दो एक परिवार वाले हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए हम परेशान हो रहे हैं और बीच में लाके दुकान का टीम आता है, जब गाड़ी खड़ी कर देते हैं हम परेशान होते हैं दुकान लगाने के लिए और पानी पीते हैं वो टंकी का, वो टंकी हटा दिया हम बहुत परेशानी में आ गए। थी सर, हम इंदौर से आते हैं साहब, हम व्यापारी लोग हैं, दुकान लगाते हैं, साप्ताहिक 8 दिन में एक बार आते हैं। हम सभी ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं आधे इसमें इंदौर के व्यापारी हैं, चूँकि यहाँ साप्ताहिक बाजार हाट लगता है गोकुलगंज में और यहाँ हम सप्ताह में एक बाजार लगाते हैं और वहीं पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी खरीदारी करने आते हैं। तो यहाँ पे कुछ तत्व हैं जो बियाणी ट्रेडर्स और मध्य प्रदेश के ग्रामीण बैंक बनी हुई है, उन दो परिवारों के वजह से पानी की टंकी 35 वर्षों से रखी गई थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे ट्रक लगे और पार्किंग बने यहाँ पे, तो हम लोगों को भी तकलीफ देते हैं, हर आए दिन गाड़ी खड़ी कर देते हैं और जितने भी हम लोग वहाँ से आते हैं इंदौर से बाहर से जो लोग ग्रामीण लोग आते हैं सब यहीं पे पानी पीते हैं और ये हमारे पार्षद रचना विजय वर्गीय जी द्वारा 7 दिन पहले टंकी हटाई गई है और यहाँ के रहवासी जो हैं वो पानी की समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे बहुत परेशान हैं। लुनियापुरा से पानी भरने जा रहा है, ADM ऑफिस पे सर को आवेदन देने इसलिए आए हम कि हमारी ये समस्याओं को सुने और वहीं रखी जाए, बहुत ही उसको वापस वहीं रखवाई जाए। हमारा मसला यही है और यहाँ के लोग भी जो रहवासी आए हुए हैं ये भी पानी के यहाँ पे पानी के लिए ही आए हुए हैं। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।